साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विश्वास चौधरी फार्मिंग पर। साथियों जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आपको समय समय पर खेती किसानी से जुड़े यंत्रों को लेकर और ट्रैक्टर मंडी से संबंधित या खेती किसानी की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। दोस्तों आज हम एक बार फिर से आप पहुँचे हैं बिलारी तहसील जो ज़िला मुरादाबाद में पड़ती है। और दोस्तों ये जो वर्कशॉप है वो है न्यू डिलक्स एग्रीकल्चर वर्कशॉप के नाम, जिसका संचालन हमारे श्री भूरे भाई प्रधान जी करते हैं। और दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियो यहाँ की डाल चुका हूँ, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार उन वीडियो पर दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको समय समय पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ काफ़ी अच्छे कृषि यंत्र दिखाने वाला हूँ, जैसे हैरो हो गई, टेलर हो गया, या गन्ना बुवाई के लिए लेजर हो गई, या डॉलर हो गया दोस्तों, मैं सुपर सीडर हो गया, कई तरह की मशीनें आपको दोस्तों मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छे इम्प्लीमेंट हैं, क्वालिटी में नंबर वन है, सब्सिडी अप्रूव्ड भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका परिचय जो यहाँ के ओनर हैं न्यू डिलक्स एग्रीकल्चर के भैया से संपर्क कराना चाहूँगा और जानकारी करेंगे उन्हीं से। इन तो भैया स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो भैया जैसे आज हम अपने किसान भाइयों के लिए आपके वर्कशॉप पर आए हैं तो आज उन्हें क्या क्या दिखाने वाले हो आप? उनको हैरो दिखानी है, टेलर है, सुपर सीडर है, जी जी जी, मल्चर है, अच्छा थ्रेशर है, थ्रेशर है। ये दिखा तो सबसे पहले जो हम आपकी हैरो देख रहे हैं वो किस तरह की हैरो, कितने कितने की हैरो है भैया? वो ये कई प्राइस में आती है, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे हम देख रहे हैं ये 8-8 की हैरो है जी, फोल्डिंग। अच्छा फोल्डिंग वाली है जी। तो कितने एचपी का ट्रैक्टर इस पे कंफर्ट है, कितना एचपी का ट्रैक्टर आसानी से चला सकता है इसको? 35 एचपी का ट्रैक्टर शायद जी, 35 एचपी का ट्रैक्टर दोस्तों आसानी के साथ इसको चला सकता है। और 8-8 की हैरो है ये। बात करें दोस्तों इसकी लोहे की क्वालिटी की, तो किस तरह का लोहा ये लगाया गया इसमें? लोहा इसमें फर्स्ट क्वालिटी का लोहा लगा हुआ, और सबसे मेन चीज इसमें जी तवा हिप्पो क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का तवा इसमें हिप्पो का। अच्छा हिप्पो का जो तवा आता है सबसे बेस्ट आता है, डबल गेंडे से भी बेस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया इसमें जो वेट है वो कितना होगा लगभग? इसमें 6 क्विंटल वेट है। अच्छा 6 क्विंटल वेट है इसके अंदर। हल्की भी आती हैं। अच्छा हल्की भी आती हैं। वो मॉडल अभी आपको हम दिखाएंगे किसान साथियों, लेकिन जान लें थोड़ा सा प्राइस के बारे में। तो भैया प्राइस क्या रहने वाला है इसका? इसका प्राइस 48,000 रुपये। अच्छा 48,000 रुपये। अच्छा जैसे अभी हमारे जो भूरे भाई प्रधान जी हैं वो बता रहे थे कि सब्सिडी अप्रूव्ड है अपना ये जो वर्कशॉप है, तो क्या सब्सिडी वगैरह भी मुहैया कराते हैं? यस। अच्छा तो फिर आगे किसान भाइयों को हमारे क्या दिखाने वाले हैं? साथियों ये हम आपको जो दिखा रहे हैं वो है डॉलर तवे वाला, डबल तवे में डॉलर आता है। इससे क्या होता है दोस्तों, हम अपने खेतों में क्यारियां बना सकते हैं डॉलर डाल के। जैसे हत्तू मांझा होता है, हत्तू मांझा ना उपयोग करके हमारे किसान भाई ट्रैक्टर की मदद से जो है डॉलर बना सकते हैं। तो भैया इसका क्या वजन है? इसका वजन लगभग 1 क्विंटल 40 किलो समथिंग है। अच्छा इसकी प्राइस क्या है भाई साहब? इसकी प्राइस 14,000 रुपये है। अच्छा लोहा सभी में वही लगा हुआ, नंबर एक क्वालिटी का लगा हुआ। अच्छा दोस्तों अब अगला डॉलर हम दिखाते हैं आपको, वो 2-in-1 है और ये न्यू मॉडल है ये। अच्छा ये अगला मॉडल हम डॉलर का फिर से दिखाने वाले हैं, वो भी डबल डिस्क में है दोस्तों, और मॉडल थोड़ा चेंज है। जानकारी करेंगे इस डॉलर के बारे में, इसकी क्या खूबी है साहब? इसकी खूबी है इसके डॉल जो है ऊंची और अच्छी बनती है, मोटी और ऊंची होती है। अच्छा इसकी बात करें क्या मैं इसमें वेट है? वेट में इसमें भी समथिंग इतना ही है। अच्छा ट्रैक्टर किस तरह का चला सकता है इसको? कोई भी ट्रैक्टर चला। अच्छा आयसर से लेके कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे छोटा ट्रैक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी क्या प्राइस है साहब? इसकी भी इतनी है 14,000 रुपये। अच्छा 14,000 रुपया है। अच्छा जैसे अभी हमने हैरो देखी आपकी फोल्डिंग वाली, एक हैरो और आती है जो दूसरा मॉडल मैं देख रहा हूँ सामने, उसके बारे में और बताइए थोड़ा सा। ये है, ये भी 16 डिस्क की है जी, इसमें टाइगर का तवा है। अच्छा इसमें टाइगर का तवा है, 16 डिस्क के हैरो है, फुल सपोर्ट में है ये। अच्छा फुल सपोर्ट में है जी। देखो दिखा दें दोस्तों और जो हैरो होती हैं उनमें केवल सिंगल ये लगी हुई होती है, लेकिन इसमें सपोर्ट है डबल, ये वाली, ये सपोर्ट और ये भी सपोर्ट है, तो 3 सपोर्ट आती है इनमें। अच्छा इसमें जो है कई सारी सपोर्टें लगा रखी हैं, काफ़ी अच्छी डिजाइन की गई है ये हैरो। बात करेंगे इसके तवे की गारंटी आती है इनकी। अच्छा तवो की गारंटी है, अच्छा अच्छा तवो की कितनी गारंटी है साहब? तवो की 1 साल की गारंटी आती है, टूटने की फटने की। अच्छा टूटने फटने की, दोबरे की तो जब भी निकल जाए तो जी 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 इस टाइम ला सकते। अच्छा इसमें क्या वेट है साहब? इसका 4.5 क्विंटल वेट है। अच्छा इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 45,000 रुपये है। अच्छा इसकी कीमत 45। तो
ट्रैक्टर तो कोई भी चला सकता है, इससे 35 HP ले लो या आइसर ले लो, आइसर भी आसानी से चला लेगा। नहीं आइसर अच्छा थोड़ा लोड मान के चलेगा, हाँ फिर भी 35 HP का ट्रैक्टर ठीक ठाक चला लेगा, ठीक ठाक चला लेगा। अच्छा और कोई मॉडल है रो का? ये 22 इंची में है। अच्छा ये 22 इंची में है, ये भी इसी क्वालिटी में। अच्छा क्वालिटी इसकी भी यही है, एक बार करीब से दिखा देते हैं, तवे वगैरह और जो लोहा है सब A1 क्वालिटी का लगा हुआ। दोस्तों यहाँ न्यू डिलक्स एग्रीकल्चर जो कि स्टेशन रोड बिलारी में स्थित है, और जो वर्कशॉप का नाम है वो है न्यू डिलक्स एग्रीकल्चर वर्कशॉप। तो भैया इसकी क्या प्राइस है? इसकी 43.5 है। अच्छा 43। तो और क्या प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों को आज आप दिखाने वाले हो? ये मांझा है ये। जी ये डबल मांझा। अच्छा ये डबल मांझा है, ये जैसे जी आजकल नरेगा काम ज्यादा चल रहा है ना, जी जी, तो खंदी वगैरह होती है तो उसको ट्रैक्टर सीधा नहीं चल पाता उसमें, तो इसको बैक से जोड़ने के बाद, बैक से जोड़ने के बाद उसको खंदी में अच्छा जब बैक करके, अच्छा जैसे आगे को चलाते हैं उसी तरह से ये पीछे बैक गियर में भी चल सकता है। देखिए किसान भाइयों दिखा देते हैं यहाँ, ये तो बैक के लिए सिस्टम दे रखा है, ये दिखा दें, और ये जो है फ्रंट में पहले आगे के गियर में चलाया जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी क्या कीमत है साहब? ये टोल रेट से चलते हैं। अच्छा टोल रेट से चलते हैं, फिर भी क्या रेट रहता है टोल का? 90 रुपये किलो भी चलता है। अच्छा 90 रुपये किलो। अच्छा और कुछ प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों के लिए अपने यहाँ साथियों? ये इन्होंने खुद से डिजाइन किया है और काफी अच्छा लेबलर है ये। इसके जो मजबूती जो दे रखी लिंकों की, यहाँ पे दे रखी है हमने ये पट्टो फिर। अच्छा ये अच्छा। लगा रखी है जो आजकल ज्यादातर लोग कुछ ऐसे चलाते हैं। हाँ डबल सपोर्ट में है, तो पीछे से भी काफी सपोर्ट दे रखी है इसमें, और ये प्लेट है। अच्छा अच्छा ये प्लेट बना रखा, 400 मोटी प्लेट है ये। साथियों लोहे से कोई समझौता नहीं है, A1 क्वालिटी का लोहा यहाँ लगाया जाता है। इसका क्या वेट होगा साहब? लगभग इसका वेट लगभग 1.5 क्विंटल समथिंग है। अच्छा 1.5 क्विंटल के समथिंग। तो इसकी क्या प्राइस है? ये भी टोल रेट में आता है। अच्छा टोल रेट में 90 रुपये किलो। अच्छा अच्छा तो ये तो लोहे पे डिपेंड करता होगा, समय समय पर कम ज्यादा, ये लोहे पे डिपेंड करता है। जी जी तो आगे दोस्तों हम दिखाते हैं आपको जो कल्टीवेटर होता है 11 टन 9 टन और शुगर केन के लिए दोस्तों, जो बुवाई मशीन होती है लेजर, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। साथियों आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है कल्टीवेटर। आपको 9 टन से लेकर 11 टन तक भी यहाँ कल्टीवेटर या कह सकते हैं हम आम भाषा में टेलर भी मिल सकता है। तो बात करेंगे दोस्तों 10 टन वाले कल्टीवेटर की। तो भैया इसमें जो कल्टीवेटर है अपना, ये 10 टन का है ना? अच्छा इसमें कितना वेट होगा लगभग? इसमें 2 क्विंटल 40 किलो वेट है। अच्छा टाइम में। अच्छा कीमत क्या है साहब इसकी? 22,000 रुपये कीमत है। अच्छा 22,000 रुपये है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वालिटी एकदम बढ़िया है, और काफ़ी हैवी जो है ये आपको कल्टीवेटर मिल जाएगा 10 टन में। बात करेंगे दोस्तों 11 टन के कल्टीवेटर की। तो भैया 11 टन वाला जो है इसमें क्या वेट है? इसमें 20 किलो सम। अच्छा फालतू फालतू एक्स्ट्रा। अच्छा एक्स्ट्रा है। बात करेंगे इसके प्राइस की, क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस 24 है। अच्छा 24,000। अच्छा और 11 से ऊपर भी आता है अपने यहाँ? नहीं 11 से ऊपर नहीं। अच्छा 11 तक ही बनता है, 9, 10 और 11। तो बात करें 9-10 कल्टीवेटर की, तो वो कितने प्राइस में रहने वाला है? 9-20। अच्छा 20 में। दोस्तों अभी मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये न्यू डिलक्स एग्रीकल्चर जो स्टेशन रोड बलारी में स्थित है। दोस्तों किसी भी क्वारी के लिए जो मैं आपको नंबर दूंगा डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों बात करेंगे अब गन्ना बोने की जो लेजर होती है उसके बारे में। आइए दोस्तों दिखाते हैं लेजर। साथियों आगे जो बात कर रहे थे हम अभी, जो लेजर होता है गन्ना बुवाई के लिए वो हम आपको दिखाने वाले हैं। काफ़ी हैवी इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, काफ़ी मजबूती है इसके अंदर। इसे जो है किसान अपनी इच्छा अनुसार जो गोल की दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी होती है, उसे इन छिद्रों की मदद से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों, वो किसान के ऊपर डिपेंड करती है। और 3 रो में एक जो है लेजर है। बात करेंगे इसके लोहे के बारे में, किस तरह का लोहा इसमें लगाया गया है? इसमें 1 क्वालिटी का ही लोहा लगा हुआ है इसमें भी, और इसका वेट लगभग 1 क्विंटल 60 किलो है। अच्छा और कीमत? इसकी कीमत 17,000 रुपये है। अच्छा और इसकी टांग की क्वालिटी प्रोफाइल की टांग होती है जो कि एक प्लेट में से काटी जाती है। अच्छा अच्छा और इसकी टांग नहीं तो मुड़ती है ना ही टूटती है। अच्छा काफ़ी हैवी में काफ़ी हैवी डिजाइन किया गया जी।
साथियों, अभी हमने आपको जो लेजर दिखाया है काफ़ी हैवी मजबूत है, हमारे गन्ना किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो अब गन्ने का सीजन भी आने वाला है, किसी किसान भाई को अगर इसकी आवश्यकता हो तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, एक बार बात करते हैं इस बारे में भी। तो भैया, जैसे हमारे कुछ किसान भाई रोक ली, तो भैया जैसे हमने आपके अभी ये सारे प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों को और व्यूअर्स को दिखाए हैं, तो एक बार ये चीज़ और बता दें, जैसे कोई किसान भाई बाहर से भी हैं, कुछ तो लोकल से भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो तो आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं, या कोई बाहर से भी विजिट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कुछ किसान भाई इस तरह के भी होते हैं कि वो घर बैठे इन चीज़ों को परचेज करना चाहें, तो कोई ऐसा माध्यम भी है जो घर बैठे परचेज कर लें वो? यस, इसको पार्सल कर सकते हैं हम, और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट करने के बाद ही हम इसको पार्सल कर सकते हैं। अच्छा, पार्सल कर सकते हो, उसका खर्चा जो है हमारे किसान भाई को जो है अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि भाड़ा बैठेगा इसका, और साथ ही साथ जो एडवांस की व्यवस्था है कुछ एडवांस करना पड़ेगा या फुल पेमेंट पहले आपको करना? फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, फुल पेमेंट करनी पड़ेगी जी। तो दोस्तों, फुल जानकारी दे दी है, आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में भी नंबर बताया था, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ समय समय पर इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।